हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटी से बहुत ही अमेजिंग और एकदम इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जिसे आज तक आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा ना ही कभी खाया होगा। तो एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे तो आप कभी भी बची हुई रोटी को ना फेंकेंगे और हमेशा आप एक से दो रोटी एक्स्ट्रा ही बना कर रखेंगे। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो रोटी ली है, ये रात की बची हुई है। आप चाहे तो ताजी रोटी का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है फ्रेंड कि रोटी थोड़ी कड़ी होनी चाहिए, जिससे कि इसे पीसने में या घिसने में आसानी हो। तो पहले हम इसे क्या करेंगे कि फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने कद्दूकस, आपको यहाँ पे पतले वाले कद्दूकस का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम रोटी के टुकड़े एकदम फाइन चाहिए। तो इसे हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं, अगर रोटी एकदम सॉफ्ट रहेगी तो वो घिसेगी नहीं। इस प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो मैं इसे मिक्सी में ही कर लेती हूँ, इजीली हो जाएगा और फटाफट से भी हो जाएगा। तो रोटी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले। यहाँ पे मैंने सारी रोटियों को तोड़ लिया है। इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जितना फाइन हो सके उतना फाइन इसे आप पीस ले। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे पीस लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम फाइन ही है, तो इसी तरह का चाहिए। ये जितना फाइन होगा उतना ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चीनी, आप चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। तो इसी में डाल देंगे। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे फ्लेवर के लिए दो इलायची, तो इसके हम छिलके को हटा देंगे और दाने का इस्तेमाल करेंगे केवल। इससे इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और छिलके को फेंकना नहीं है, इसे आप सब्जी या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम एक बार चला लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको लगातार मिक्सी नहीं चलाना है, ये बंध जाएगा और पीसेगा भी नहीं ढंग से। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया है। यहाँ पे लिया मैंने एक बाउल और इसमें हम ले लेंगे एक कप दूध। मैंने यहाँ पे वार्म दूध का इस्तेमाल किया है, यानी कि गुनगुना दूध, आपको भी गुनगुना दूध ही लेना है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच घी। आप यहाँ पे चाहें तो फॉर्चून ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खुशबू वाली तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दूध में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब जो हमने रोटी का चूड़ा बनाकर तैयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। तो सारी रोटियों को इसी में डाल दें और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दूध थोड़ा गुनगुना है, तो इससे हमारी रोटी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने छन्नी और इसके ऊपर हम ले लेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए एक कप मैदा। मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, या इसके बिना भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा बंद होने की वजह से इसका छानना और इसे मिक्स करना स्किप हो गया है फ्रेंड, लेकिन मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और ये अभी ड्राई लग रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तब हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वापस से एक कप दूध लिया है, तो ये भी गुनगुना दूध ही है फ्रेंड। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और रोटी भी हमारी अच्छे से फूल जाए। एक बार इस रेसिपी को आप बना लोगे तो कभी भी रोटी आप फेंकोगे नहीं फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने के बाद कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसे रोटी से बनाया है। और रोटी की वजह से ये थोड़ा दानादार दिख रहा है, इससे इसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, खाने में पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे रोटी से बनाया है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने दो कप दूध लिया था, दोनों कप दूध लग गया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि रोटी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक केक टिन, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके किनारे थोड़े ऊँचे हों,
तो उसमें भी केक इजीली बेक हो जाता है। केक टिन में घी या तेल लगा ले और ऊपर से थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट कर ले, इससे केक इजीली निकल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है गैस पे मैंने एक भगोना, आज मैं केक को भगोने में ही बेक करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक फैला देंगे। आप नमक या रेत कुछ भी फैला दें या इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि बर्तन जलता नहीं है। और इसमें हम एक स्टैंड लगा देंगे, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो एक कटोरी या प्लेट को भी इसमें रख सकते हैं। और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे हमारा बैटर भी रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये अच्छे से फूल गया है। केक हमारा सॉफ्ट और एकदम फुला फुला बने उसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 पैकेट इनो। अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच मीठा वाला सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल दें। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच गुनगुना दूध, जिससे कि इनो एक्टिव हो जाए। और इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, तो बहुत तेज़ी से नहीं मिलाना है और आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है फ्रेंड, नहीं तो केक आपका अच्छे से नहीं फूलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा और ना ही बहुत पतला, तो एकदम परफेक्ट है। तो इन सारे बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और रोटी की वजह से ये एकदम दानेदार दिख रहा है, इससे टेस्ट भी और अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। इसे हम थोड़ा टैप टैप कर देंगे जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स हो सारे निकल जाए और ऊपर से ये और अच्छा दिखे। इसके लिए आप इसके ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर दें या चॉकलेट पाउडर। अब हम इसे बेक करेंगे, तो इसे हम भगोने में रख देते हैं। तो सावधानी से रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे भगोना गर्म है। और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक और बेक करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 35 मिनट तक इसे बेक किया है और इसमें हम एक नाइफ लगा के चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, नाइफ एकदम क्लीन निकल जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। मैंने बीच में एक बार चेक किया था, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे केक हमारा हल्का ठंडा हो गया है, तो नाइफ की मदद से इसे चारों तरफ से स्क्रेच कर दें जिससे कि ये इजीली निकल जाए। और इसके ऊपर से प्लेट लगा के इसे पलटते हुए टैप टैप कर देंगे और आप इसका लुक देख सकते हो फ्रेंड, कितना अच्छा दिख रहा है। कोई भी देखकर या खाकर नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बची हुई रोटी से बनाया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, बची हुई रोटी से इतना टेस्टी और सॉफ्ट केक बनकर तैयार है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।